मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तो हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौरव रंजन आप सभी का आपके सबसे चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट तालुक में स्वागत करता हूं। इसी उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने देखा कोविड चल रहा था और कोविड अभी भी है और लेकिन केस थोड़े से कम हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमें दो खुशखबरियां मिली हैं। एक तो कोविड के रिकवरी रेट अच्छा हुआ है, कोविड कमजोर पड़ा है, हम लोगों की जीत हुई है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ चयन आयोग है, जिसको हम यूपी टरपैसी कहते हैं, उसके द्वारा पीईटी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी प्रिलिम्स एजिबिलिटी टेस्ट पीईटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी 50,000 से भी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और उसका फॉर्म भी भरना प्रारंभ हो गया है। तो पीईटी का जो सिलेबस है, पीईटी का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आधारित आपके लोगों की मांग पर एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है, पीईटी फाउंडेशन बैच, और इस बैच को हम लोगों के द्वारा नाम दिया गया है निर्माण बैच, क्योंकि इस बैच आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं निकाली जाएंगी उन भर्ती परीक्षाओं में यह पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। यानी जैसे आपने देखा आईएएस पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें प्रीलिम्स होता है, उसी प्रकार टरपैसी भी अब प्रीलिम्स एग्जाम लेगी और इस प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या होगा, कैसे कैसे आएगा, इन सब की रूपरेखा आपको रवि तिवारी सर के द्वारा समझा दिया गया है। क्या सिलेबस है, क्या कैसी चीजें हैं, सर ने आपको विस्तृत वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्रत्येक टीचर आएगा क्रम क्रम से आपके सामने डेमो क्लास लेकर और अपने सिलेबस के बारे में बताएगा। निर्माण बैच रखने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप इस बैच में अपना यदि आप इस परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की करते हैं तो आगे जाकर आपको कई सारी परीक्षाएं देने का मौका मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर निर्माण करना है अपने लिए एक सीट का, अपने लिए एक सीट का, एक पद का यहाँ पर क्या करना है, निर्माण करना है। इसीलिए इस बैच का नाम रख दिया गया निर्माण बैच, ठीक ना। बैच से जुड़ने के लिए दो चीजें हैं, एक तो हमारे हम अभी आपको एक नंबर बताएंगे, उस नंबर पर आपको यदि इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं आप या आपके चाहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि पीईटी की तैयारी कर रहा है तो आप उसे बताइएगा कि टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बैच प्रारंभ है और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको केवल इतना सा कार्य करना है कि जो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर पीईटी 2021 एंट्री लिखकर सेंड कर देना है। याद रखिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से इसको आपको सेंड करना है। जैसे ही आप इस अपने व्हाट्सएप के माध्यम से इसको सेंड करते हैं आपको हमारे द्वारा मैसेज दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें बता दी जाएंगी। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये हमारे नंबर है हमारे संस्थान के काउंसलर्स के, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता होगी बैच से संबंधित, किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी, किसी भी प्रकार की जो भी चीजें हैं आपको समझा दी जाएंगी। बैच की विशेषताएं क्या है, एक मिनट में मैं ये भी बता देता हूं कि इस बैच की विशेषताएं क्या है। और देखिएगा विशेषता बताने से पूर्व मैं आपको यह बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि हम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे भारत का जिनकी कथनी और करनी में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। हमारे जो भी बैच हैं, चाहे सुपरटेट हो, चाहे जूनियर हो, चाहे आईएएस फाउंडेशन हो, चाहे पीसीएस का बैच हो, चाहे आरओ एआरओ, जो भी बैच है, जो हम लोगों ने कहा है टेस्ट देने के लिए, पीडीएफ देने के लिए, सारी चीजें हमने की है। इसमें देखिएगा सुपरटेट वाले विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, जरूर बताइएगा संस्थान के द्वारा या मेरे द्वारा आपके लिए कितनी अटूट मेहनत की गई है। प्रत्येक टीचर अपने विषय में महारथी है और वह आपके साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है। तो ये इस बैच की कुछ विशेषताएं हैं। प्रतिदिन आपको 6 घंटे की लाइव क्लासें मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ नोट्स दोनों मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे आपके, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, संभावित प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, श्रृंखला दी जाएगी इनको आपको, एग्जाम के टाइम आपको मैराथन क्लासें 100+ प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज दी जाएगी और जो आपको लिमिटेशन बताई जाएगी सर के द्वारा उस लिमिटेशन में इस कोर्स को पूर्ण कर दिया जाएगा, ठीक ना, पूर्ण कर दिया जाएगा। 6-7 घंटे से कम क्लास नहीं होंगी, हो सकता है इससे ज्यादा ही बढ़ जाए, ठीक ना।
चलिएगा, तो अभी तक तो हम अपने संस्थान की विशेषताएं, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इन सारी बातों पर चर्चा कर रहे थे। अब आइएगा यहां पर, मैं आपको जो पीटी का सिलेबस है उस पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना, इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि मैं आपको इस संस्थान में भूगोल और भूगोल के साथ साथ पर्यावरण पढ़ाता हूं, भूगोल और पर्यावरण पढ़ाता हूं। अगर पीटी के एग्जाम में बात की जाए तो जीएस का एक रूल है, प्रत्येक विषय आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन प्रत्येक विषय को पूछ तो रहा है लेकिन कम ही नंबर का है। जैसे अगर बात की जाए तो भूगोल मैं पढ़ाऊंगा आपको 5 नंबर का है, इतिहास के 2 पार्ट कर दिए उसने, एक इतिहास एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये 10 नंबर का है, तो 5 और 10 15 नंबर हो गए। 5 नंबर का आपका साइंस है, 5 नंबर का इकोनॉमिक्स है और 5 नंबर का आपका पॉलिटिकल साइंस है, यानी कुल मिला के 30 नंबर है यहां से जीएस के माध्यम से। और उसके बाद अगर चलिएगा तो 10 नंबर आपके जीके के हैं, तो जीके और जीके के बाद 10 नंबर आपके करंट्स के हैं, तो लगभग लगभग 40-50 नंबर का आपका जीएस आने वाला है। तो जीएस कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपसे भूगोल पूछा जाना है इस एग्जाम में। तो एक बार हम यहां पर आपको सिलेबस दिखाते हैं, आप सिलेबस देख लीजिएगा, आपके पीटी यानी लोक सेवा आयोग अधीनस्थ जो चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा जो भूगोल का सिलेबस बताया गया है वो भूगोल का सिलेबस क्या है, भूगोल। और इसमें देखिएगा उसने हालात में चीजों को तोड़ तोड़ के रखा है, लेकिन जैसा मैं पढ़ाता आया हूं आपको पूरा का पूरा भूगोल ही पढ़ना है आपको, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। मैंने आपको कई बार क्लास में मानचित्र पढ़ाते समय यह बात बताई है कि भूगोल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राजनीतिक वाला भूगोल, एक होता है प्राकृतिक वाला भूगोल। कोई भी संरचना है, जैसे पर्वत है, जैसे पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झरने हैं, जलप्रपात है, इनका निर्माण मानव ने किया या प्रकृति ने किया है, तो इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। और जब इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है तो हम इनको प्राकृतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल को ही भौतिक भूगोल कहा जाता है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिएगा भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत नदियां तथा नदियों की घाटी, नदियां नदियों की घाटी और नदियों पर निर्मित बांध भी पूछेगा आपसे, नदियों पर निर्मित जलप्रपात भी पूछेगा, नदियों की विशेषताएं भी पूछेगा। मानचित्र के माध्यम से पढ़ना है आपको क्योंकि भारत एवं विश्व दोनों का है। कौन सी नदी है जो बार दो बार कर्क रेखा काटती है, मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। कौन सी नदी है जो 2 बार मकर रेखा काटती है, कौन सी नदी है जो 2 बार विषुवत रेखा काटती है, तो नदी और उनकी विशेषताएं, नदियों की घाटी, कौन सी नदी किस नदी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक ना। लेवल जाना हाई नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन अच्छे होंगे, भारत की कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक ना, घाटियां क्या होती हैं, गार्ज क्या होते हैं, तो इन सबको आपको समझना होगा। उसके बाद दूसरा है भूजल संसाधन, भूजल संसाधन के अंतर्गत हमें जल और जल का महत्व समझना है, और जब यह जल और जल का महत्व समझ जाएंगे तो फिर इस जल के माध्यम से हमें आगे की चीज समझना होगा कि सिंचाई किस प्रकार की जाती है, सिंचाई की विधियां क्या क्या है, विश्व के कौन कौन से देशों में, यहां देखिए लिखा है ना भारत एवं विश्व, विश्व के कौन कौन से देशों में किस प्रकार की सिंचाई पद्धतियां या किस प्रकार का भूजल संसाधन है। विश्व का वह पहला देश बताइएगा जिसमें पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई हो, पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक ना। तो ऐसे कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। अब देखिएगा जैसे मैंने कहा कि वह देश बताइएगा जहां पर पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई हो, अब अगर आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे सर करंट का क्वेश्चन है, अब करंट का क्वेश्चन, लेकिन इसको लिंक कहां से किया गया है, लिंक किया गया है भूगोल से। मैं आपको बता देता हूं, दक्षिण अफ्रीका है जिसने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका कहां पर है, यही तो हमें विश्व के भूगोल में पढ़ना है, यही तो मानचित्र पर आधारित अध्ययन है। तीसरा देखिएगा पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद बताइएगा, क्या पर्वत है, कोई भी पहाड़ी है, कोई भी हिमनद है यानी ग्लेशियर है। अभी आपने सुना कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमखंड अंटार्कटिका के क्षेत्र में टूटकर अलग हो गया, तो आप देखिएगा ये करंट का टॉपिक भी बन गया कि उस हिमखंड का नाम क्या था,
तो नाम क्या था, ये तो करंट का हो गया, लेकिन वह हिमखंड टूटकर क्यों अलग हुआ, यह भूगोल विषय का विषय वस्तु हो जाती है। हिमखंड कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां पर है, किस महाद्वीप में, किस महासागरीय क्षेत्र में या किस पर्वतीय क्षेत्र में है, तो यह भूगोल की विशेषता हो जाती है, भूगोल की विषय वस्तु हो जाती है। दोनों को लिंक करके पढ़ना है, बार बार मैंने आपको बताया है। आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वह आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपका सामान्य अध्ययन, जिसको आप लोग जीके या जीएस कहते हैं, वह आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और उस सामान्य अध्ययन में भी सबसे अच्छा आपका भूगोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भूगोल का टीचर हूं इसलिए कह रहा हूं कि भूगोल की महत्व अधिक है, ऐसा नहीं है। आप स्वयं से आकलन कर सकते हैं, विश्व में कोई भी घटना घटित होती है। अभी आप देखिएगा, अभी आपने न्यूज में सुना होगा फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में युद्ध हुआ। बताइए कहां पर है दोनों देश, उन दोनों देशों की मुद्राएं क्या है, वर्तमान में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, यानी वहां पर किस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये सारे, अगर इजराइल में है तो इजराइल किस लिए जाना जाता है, इरिगेशन के लिए, यानी सिंचाई पद्धति सबसे अच्छी है वहां की, वहां का मिसाइल बहुत अच्छा है। फिलिस्तीन किन देशों से सीमा बनाती है, किन देशों के किनारे है या किस सागर के किनारे है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो करंट, करंट आप तभी सीख पाएंगे बाबू, तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपकी जीके में रुचि होगी। और इस जीके में रुचि बनाने के लिए पूरी टीम आपके साथ है। टारगेट विद आलोक की पूरे YouTube पर आप देख लीजिएगा, पूरे सभी जगह आप आकलन कर लीजिएगा, इससे बेहतरीन टीम आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और हमारे अंदर विशेषता यह है कि हमारे बात, जो हमारी जबान से बातें निकली होती हैं, वह हम 100% अपनी पूरी करते हैं, ठीक ना। अगला देखिएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। हालांकि एक ही टॉपिक है मरुस्थल, लेकिन मरुस्थल के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर कृषि संबंधित कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि संबंधित कार्य नहीं हो रहा है। तो मरुस्थल और मरुस्थल के साथ साथ शुष्क क्षेत्र, अब देखिएगा, नदी, भूजल, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, क्या इनका निर्माण मानव के द्वारा हो रहा है? इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको कहां पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में। तो भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है आपको और विश्व के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वन, फॉरेस्ट। विश्व में वह कौन सा देश है, देखिए मैं सारी चीजें आपको करंट से लिंक करके बता रहा हूं, विश्व में कौन सा देश है जिसके सर्वाधिक भूभाग पर वन या जंगल पाए जाते हैं? सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या है, सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या है, कौन से वृक्ष के लकड़ियों के रेल स्लीपर बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो वन, भारत, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है, वनों की गणना कौन करता है, यानी वृक्षों की गणना कौन करता है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, ये सारी चीजें यहां पर पढ़ना है आपको। और देखिएगा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, आपको केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको सिलेक्ट होना है, आपको इसलिए पढ़ना है, आपको सिलेक्ट तो होना ही है, सिलेक्ट होने के साथ साथ एक आपको ज्ञानी, या आप कह सकते हैं एक ऐसी अपनी छवि बनानी है जिसका समाज में कोई नाम हो। कोई भी बात होगी उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जीके या जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस या जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो जिंदगी के हर एक मोड़ पर, जिंदगी के हर एक पड़ाव पर आपके साथ रहेगा और आप यहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक ना। अगला देखिएगा, खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन वो भी खनिज संसाधन आपको विशेषकर भारत के संदर्भ में पढ़ने हैं। कहां से लोहा मिलता है, कहां से कॉपर मिलता है, कहां से मैग्नीज मिलती है, कौन सी दो धातुएं हैं जिनको मिश्र धातुओं के रूप में तैयार किया जाता है, है ना। पीतल और जस्ता को मिलाने से कौन सी धातु मिलती है, मिश्र धातुओं के निर्माण में क्या क्या चीजें होती हैं। हालांकि ये सारी चीजें आप भूगोल में भी पढ़ेंगे और भूगोल के साथ साथ इन्हीं को लिंक किया जाएगा विज्ञान से। अगला देखिएगा, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। मैंने कहा था आपसे दो भूगोल होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जिसमें हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, और एक होता है राजनीतिक जिसमें हम ऐसे भूगोल को पढ़ते हैं जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है। मानव के द्वारा किसका निर्माण हुआ, देश, पहले भारत देश था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ राजनीति के आधार पर, राजनीति हुई पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान से कौन सा देश अलग हुआ, बांग्लादेश, राजनीति के आधार पर, ठीक ना। उसके बाद जलवायु तथा मौसम, ये मौसम लिखा है यहां पर, जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर, तो जलवायु और मौसम को पढ़ना है भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में, ठीक ना। टाइम जोन, इसी को हम नाम दे सकते हैं अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं
देशांतर, कई बार मैंने आपको पब्लिक भी पढ़ाया है कौन से देश का समय आगे होगा, कौन से देश का समय पीछे होगा, भारत का समय लंदन से आगे क्यों है, भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे क्यों है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक रेखा क्यों मानी गई है। तो ये सारे टॉपिक किसमें आ जाएंगे, टाइम जोन में आ जाएंगे। उसके बाद जनसंख्या को पढ़ना है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। प्रवास का मतलब होता है जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास करने के लिए जाते हैं तो इस घटना को प्रवास कहा जाता है। विश्व में कौन कौन से देशों में प्रवास हुआ है, अधिक मात्रा में प्रवासन की प्रक्रिया कहां पर है, ठीक ना। आप लोगों ने एक डेजर्ट का नाम सुना होगा, अटकामा डेजर्ट विश्व का सबसे सूखा डेजर्ट है। यहाँ के लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए हैं क्योंकि शुष्क कृषि संबंधित कारण ही होते हैं। भारत में आप देखिएगा लॉकडाउन लग रहा है, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा, इस साल भी। अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, महाराष्ट्र या दिल्ली या गुजरात के क्षेत्र में जाते हैं रोजगार करने, व्यापार करने जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं। तो यहां से वो वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में के वो रहने वाले हैं वहां पर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पर उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो इन घटनाओं को प्रवासन की प्रक्रिया कहा जाता है, तो इनको हमें समझना है। वास्तव में देखा जाए तो ये जैसे प्रवास है, जनसंख्यीय परिवर्तन है, खनिज संसाधन है, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें सबसे बाद में पढ़ने चाहिए। सबसे बाद में क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे खनिज संसाधन आंकड़े बेस्ड होता है, जनसंख्यीय परिवर्तन आंकड़े बेस्ड होता है, ठीक ना। आप देखिएगा 2011 में जनगणना हुई और 2011 की जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अब जनगणना 2011 के बाद कब होनी है, 2021 में, लेकिन लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना नाम की महामारी फैली हुई, हो सकता है कि अभी हमारी जनगणना ना हो, इसको थोड़ा सा लेट कर दिया जाए। तो यहां पर जब नई जनगणना होगी तो नए आंकड़े निकल कर आएंगे, तो आपको यहां पर क्या रटना होता है, आंकड़ों को रटना होता है, समझना भी होता है, आंकड़ों को रटना भी होता है। आंकड़े आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पहले विविध रूप पता हो कि कहां पर कैसी कंडीशन है। जैसे मैं कहूं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, नदीय क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में, या तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है और मैदानी क्षेत्रों में भी। आप देखिए तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं, जब चक्रवात आते हैं तो कहा जाता है कि तटीय क्षेत्रों में जो लोग भी रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। मैदानी क्षेत्रों में भी होते हैं क्योंकि मैदान के क्षेत्र में कृषि संबंधित कार्य अधिक मात्रा में। जनसंख्या घनत्व तो मैंने पूछा, सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि जनसंख्या घनत्व है क्या, है ना। तो एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो। अब तटीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में कहां देखें, मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि मैदानी का क्षेत्र उपजाऊ होता है, उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि संबंधित कार्य अधिक मात्रा में किए जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा यहाँ पर एक पाठ्यक्रम है, यहाँ पर बस समाप्त हो गया। तो इतना सा पाठ्यक्रम दिया है उसने भूगोल का, और इस पूरे पाठ्यक्रम से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, 5 नंबर के। कितने नंबर के, 5 नंबर के आपसे यहाँ से क्या पूछे जाने हैं, क्वेश्चन पूछे जाने, ठीक ना। तो ओवरऑल वही सिलेबस है, जो भी पिछले बैचों के कोई विद्यार्थी हो जिस रनिंग में बैच है या जिन बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, आप बता सकते हैं यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक ना। तो अब अभी तक तो हम अपनी सिलेबस की बात कर रहे थे, इस बैच से आपको कैसे जुड़ना है, इन सब की बात हो रही थी। अब आइएगा हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को आपको समझाते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आज जो टॉपिक लेते हैं वो है मरुस्थल, ठीक ना। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ए वाला टॉपिक हम लेते हैं और इस टॉपिक को आपको समझाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मरुस्थल और कौन सा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर आप हमें पीईटी 2021 लिखकर व्हाट्सएप एंट्री करेंगे, एंट्री पीईटी 2021 लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजेंगे तो आपको हमारे द्वारा सूचना दी जाएंगे किस प्रकार आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आइएगा देखिएगा, अगर हम मरुस्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक विश्व का मानचित्र लगाया हुआ है और विश्व के मानचित्र में जो आपको येलो येलो पॉइंट दिख रहे हैं, जो आपको येलो पॉइंट दिख रहे हैं, ये सभी येलो पॉइंट जो है वो मरुस्थल है, डेजर्ट है, ठीक ना। आप देख सकते हैं
इस महाद्वीप का नाम नॉर्थ अमेरिका है, इस महाद्वीप का नाम साउथ अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर एशिया है, ये यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पर जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक ना। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम बात करते हैं मरुस्थल, जिसको इंग्लिश में हम डेजर्ट कहते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं मरुस्थल की, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में डेजर्ट कहा जाता है। सबसे पहले हमें मैं बेस से लेकर चल रहा हूं, एकदम बेस से, क्योंकि पीटी के एग्जाम में अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अपनी तैयारी कर रहे होंगे, 18 वर्ष के कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है ना। तो मरुस्थल, मरुस्थल मैं बेस से लेकर चलता हूं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है यहां पर मरु और दूसरा है यहां पर स्थल। तो यहां पर मरु का अर्थ क्या होता है, तो मरु का अर्थ होता है मरा हुआ, मरु का अर्थ हो गया मरा हुआ, और स्थल का अर्थ क्या हो गया, स्थल का अर्थ हो गया स्थान, अर्थात मरा हुआ स्थान। कौन से स्थान को हम मरुस्थल कहेंगे, ऐसा स्थान जो मर गया हो। अब बड़ी अजीब सी बात होगी ना सर ये, तो कि स्थान भी सर मरने लगे, बिल्कुल। यदि किसी क्षेत्र से हमें फसलों का उत्पादन नहीं हो प्राप्त हो रहा है, यदि किसी क्षेत्र से किसी भी प्रकार का उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र को हम मरा हुआ स्थान मान लेते हैं, या दूसरे शब्दों में इसी को हम कह देते हैं बंजर। लेकिन आप याद रखिएगा, बंजर भूमि अलग है और मरुस्थलीय क्षेत्र अलग होते हैं। तो यहां पर मरा हुआ स्थान कहने का तात्पर्य क्या है, तो मरा हुआ स्थान कहने का तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जहां पर फसलों का उत्पादन समाप्त हो गया हो या कम हो गया हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर फसलों का उत्पादन समाप्त हो गया हो या फिर क्या हो गया हो, कम। अब बात आती है कि सर फसलों का उत्पादन समाप्त या कम क्यों होगा, तो फसलों का उत्पादन समाप्त या कम हो जाता है वर्षा की मात्रा के कारण, वर्षा के कम होने के कारण, वर्षा के कम होने के कारण, वर्षा के कम होने के कारण, 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, तो इसको हम कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, तो हम कहेंगे ऐसे क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन करना संभव नहीं है। अब ही आपने इसको ऐसे पढ़ा, अब उल्टा पढ़ना है, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा के कम होने के कारण फसलों का उत्पादन होना समाप्त हो गया हो, तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम मरा हुआ स्थान अर्थात क्या कहते हैं, अर्थात मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम मरा हुआ स्थान या क्या कहते हैं, या मरुस्थल कहते हैं। अगला समझिएगा, इसी में एक पॉइंट और, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मैंने अभी अभी बताया वर्षा की मात्रा क्या रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी के कण संगठित ना होकर, मिट्टी के कण कैसे हो जाते हैं, मिट्टी के कण असंगठित होते हैं, हो जाते हैं, या मृदा असंगठित हो जाती है। मृदा के असंगठित होने का मतलब है मिट्टी कई सारे छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, मृदा कई सारे छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो मृदा असंगठित हो जाती है, और जब मिट्टी असंगठित हो जाती है, तो धीरे 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 इसी से रेत का निर्माण हो जाता है, रेतीली भूमि का निर्माण हो जाता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहा जाएगा, तो रेगिस्तान तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर रेत पाई जाए, लेकिन मरुस्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर फसलों का उत्पादन ना हो। रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलें नहीं उगाई जा सकती। मरुस्थल रेगिस्तान हो सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान मरुस्थल नहीं हो सकता है, ठीक ना। मरुस्थल पथरीला भी हो सकता है, मरुस्थल रेतीला भी हो सकता है, मरुस्थल कैसा हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, यानी जहां पर बर्फ जमी हो, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है मरुस्थल। अब ऐसे मरुस्थल जिनमें रेत की मात्रा अधिक होगी, उनको हम कहेंगे रेगिस्तान। क्या कह देंगे, उनको हम नाम दे देंगे रेगिस्तान। तो यहां पर इस वाली बात को आपको समझना है, ठीक ना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होने के कारण यदि फसलों का उत्पादन कम होगा, तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम मरा हुआ स्थान कहते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट देखिएगा,
अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में बात करें तो विश्व के लगभग 14% भूभाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। 14% भूभाग पर क्या है, तो यहां पर लगभग 14% भूभाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो कितने भाग पर पाए जाते हैं, 14% भूभाग पर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है, ठीक ना, पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसी में, मरुस्थल दोनों गोलार्धों का मतलब एक उत्तरी गोलार्ध होता है एक दक्षिणी। मैं सब कुछ आपको बढ़िया डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। मरुस्थल दोनों गोलार्धों में पंद्रह से पैंतीस डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मैं पहले लिख दूं फिर एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। 15 से 35 डिग्री के मध्य क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, यहां पर इनका विकास अधिक है, ठीक ना। लेकिन इसी में एक बात एक भी याद रखिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य तो पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार मरुस्थल 30 से 35 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर आपके दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न कहेगा आपसे मरुस्थलों के ऐसा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखिएगा कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, प्रारंभिक परीक्षाएं हैं और जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन उन्हीं में ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर प्रारंभिक परीक्षा में तो हर एक बंदा फॉर्म डालेगा और हर एक बंदा उस परीक्षा को देगा, लेकिन जो लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास करके आगे जाएंगे तो हर एक व्यक्ति थोड़ी ना पास करेगा, तो जो व्यक्ति पास करके जाएंगे फिर केवल उनमें कंपटीशन है। तो यहां पर तो आपको सभी के साथ कंपटीशन देना है, तो यहां पर ऐसा पेपर बनाया जाता है जिसमें अधिकांश बच्चे फेल हो जाते हैं। आपसे कहेगा मरुस्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कहेगा संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 14% भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार है। मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तीसरा कहेगा मरुस्थलों का सर्वाधिक विकास 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है, और नीचे देगा चौथा ऑप्शन, सभी चार तीनों बातें सही है। तो तीनों बातें सही नहीं है, एक बात इसमें गलत है। मैंने ऑप्शन सेकंड में यह बोला है कि मरुस्थलों का विकास केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा है कि दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा और दोनों गोलार्धों में मरुस्थलों का विकास जो है वो सर्वाधिक 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाएगा। कहां से कहां पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अधिक है, तो वास्तव में पाया कहां जाना चाहिए, 15 से 35, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। अब इसमें भी अगर सर्वाधिक पूछ दे आपसे तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक विस्तार है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक ना। चलेगा चौथा पॉइंट में लिख रहा हूं इसमें, मरुस्थलों में चौथा पॉइंट, मरुस्थल जो है इनका विस्तार या विकास, मरुस्थल या मरुस्थलों का विकास महाद्वीप के पश्चिमी भागों में हुआ है। कोई भी महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थलों का विकास महाद्वीप के पश्चिमी भाग में हुआ है। अब बात यह आती है कि सर मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में क्यों हुआ है, क्योंकि बाबू महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधारा पाई जाती है। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठंडी जलधारा पाई जाती है।
ठंडी जलधारा। अब देखिएगा यहां पर एक नया टॉपिक आ गया जलधारा। तो देखिएगा दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। हमेशा याद रखिएगा जो आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा यह महाद्वीप के पश्चिम में पाई जाएगी। महाद्वीप के पश्चिम में, ठीक ना। अगर जलधारा ठंडी है यानी पानी यहां पर ठंडा है, तो बताइएगा यदि जल ठंडा है तो ठंडे जल का वाष्पीकरण होगा, तो ठंडे जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। जब ठंडे जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या बादलों का निर्माण होगा? बादलों का निर्माण सर नहीं होगा। जब बादलों का निर्माण नहीं होगा तो क्या वर्षा होना संभव है? तो वर्षा होना संभव नहीं है। यानी जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग हैं, यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा यहां पर क्या है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम है। और मैंने आपको ये बताया है कि जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी, वहां पर ही किसका विस्तार पाया जाएगा या वहां पर ही किसका विकास होगा? तो वहां पर ही मरुस्थलों का विकास होगा। अब देखिए मैंने कहा महाद्वीप के पश्चिम में, यहां पर मैंने विश्व का एक मानचित्र लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, आगे वाली दिशा पूरब है तो पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है, आगे वाली दिशा पूरब है तो पीछे वाली दिशा पश्चिम। अब देखिएगा यहां पर पश्चिम में मरुस्थलों का विस्तार है, यहां पर देखिएगा पश्चिमी भाग है, यहां पर पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विस्तार है। आगे वाली दिशा पूरब है, पीछे वाली दिशा पश्चिम, आप देखिएगा पश्चिम में मरुस्थल है, आप देखिएगा पश्चिम में मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप है, आगे वाली दिशा पूरब है और पीछे वाली दिशा पश्चिम है, आप देखिएगा पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जा रहे हैं। यहां पर भी देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, आगे वाली दिशा पूरब है, पीछे वाली दिशा पश्चिम है, तो पश्चिम में भी क्या पाए जा रहे हैं, मरुस्थल। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक ना। और महाद्वीपों के पश्चिम भागों में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम भागों में ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं। अब कौन से महाद्वीप, कौन से मरुस्थल का विकास किस जलधारा के कारण हुआ? जैसे यहां पर अटकामा डेजर्ट है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, तो यहां पर एक जलधारा चलती है पेरू की जलधारा, पेरुअन जलधारा। कौन सी जलधारा? पेरू की जलधारा चलती है। तो यहां पर लेब्राडोर की जलधारा चलती है, कई सारी जलधाराएं चलती हैं। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक एक से अभी अगले लेक्चरों में, आने वाले लेक्चर में जब हम एक एक से मरुस्थली भागों को पढ़ेंगे, तो उन मरुस्थली भागों के अंतर्गत ही कौन से जलधारा की वहां पर उत्पत्ति हुई है, किस डायरेक्शन में चलती, कैसे चलती है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कथन और कारण वाला प्रश्न बनता है, यहां पर एक प्रश्न बनता है मरुस्थलों से संबंधित, कथन और कारण वाला। कौन सा प्रश्न बनता है? कथन और कारण वाला प्रश्न बनता है। आपसे कथन के रूप में कहा जाएगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार अधिक पाया जाता है, एक कथन है। कारण देगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं। अब ये कथन दे दिया और कारण, अब आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, जैसे होते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है, कथन सही है कारण भी सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इस प्रकार से चार वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इस प्रकार वो चार आपसे क्या पूछ लेगा, प्रश्न। तो अभी तक हमने सबसे पहले इस इन दो पॉइंटों को पढ़ लिया कि महाद्वीपों के पश्चिम भागों में मरुस्थल पाए जाएंगे, और क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं। अभी कि मरुस्थलों का विस्तार जो है वो 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्यों हुआ, मरुस्थलों का विस्तार जो है वो 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्यों हुआ। चलिएगा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर मैं इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम को दिखाते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये विश्व का मानचित्र है, और विश्व के मानचित्र में अगर हम विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बनाते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां पर है, अर्थात ये कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? तो यहां पर ये रेखा है विषुवत रेखा, जिसका मान है 0 डिग्री अक्षांश। जिसका मान कितना है? तो इसका मान है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक ना। चलिए बताइएगा, आप बताइएगा क्या आपको विषुवत रेखा के समीप मरुस्थल पाए जा रहे हैं, या आपको क्या दिखाई दे रहा है
कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में मरुस्थल हो, तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में मरुस्थलों का अभाव पाया जाता है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र, ये यहाँ पर कोई है नहीं, इसमें मैं ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर है सहारा डेजर्ट, नूमियन डेजर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर है इन वाले क्षेत्रों में मरुस्थल नहीं, ये उच्च भूमि है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के समीप, और विषुवत रेखा के समीप के क्षेत्र को हम विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मरुस्थलों का अभाव पाया जाता है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान सर्वाधिक पाया जाता है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान सर्वाधिक पाए जाने के कारण यहां पर पानी का वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे और वर्षा होगी। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, किस देश में होती है या किस स्थान पर होती, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये वो तो चेरापूंजी है, किस क्षेत्र में होती है मैं ये पूछ रहा हूँ, किन अक्षांशों के मध्य होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, ठीक ना। तो विषुवत रेखीय, ये पॉइंट है, विषुवत रेखीय क्षेत्र पर मरुस्थलों का अभाव पाया जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में शुष्क क्षेत्रों का अभाव पाया जाता है, बल्कि वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक घने जंगल पाए जाते हैं जिनका नाम सलवास है, क्या नाम है? सलवास। यहाँ पर अफ्रीका में एक नदी है जो यहाँ पर विषुवत रेखा को 2 बार काटती, कांगो नदी, कांगो नदी घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर इंडोनेशिया के क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं। तो जहां जहां पर विषुवत रेखा गुजरेगी वहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे, बल्कि वहां पर घनी वनस्पति, सघन जंगल पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ पर अधिक है, और वर्षा की मात्रा यदि अधिक है तो इन वाले क्षेत्रों में मरुस्थल नहीं होंगे, ठीक ना। अब देखिएगा होता क्या है, तो मरुस्थलों का विकास मैंने कहा यहां से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 के नीचे कहीं ना कहीं 15 डिग्री होगी। मैंने आपसे कहा है कि 15 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य, देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो है ये 15 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य का क्षेत्र है, इन वाले क्षेत्रों में मरुस्थलों का विकास अधिक होगा, इन वाले क्षेत्रों में मरुस्थलों का विकास अधिक होगा। आप नीचे भी देख सकते हैं, तो 15 से 35 डिग्री के मध्य मरुस्थल अधिक पाए जाएंगे, और इनमें भी सबसे अधिक कहां पाए जाएंगे, तो 30 से 35 डिग्री। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, अगर बाय चांस कहीं पर मिस्टेक से बोल जाऊं, मरुस्थलों का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 15 से 35 डिग्री, और अगर पूछा जाए किन अक्षांशीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे किन अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। और यही समझने वाला पॉइंट है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य या 15 से 35 डिग्री के मध्य मरुस्थलों का विकास क्यों अधिक है। तो आइएगा इसके लिए देखिएगा, हमारे पास एक डायग्राम है ए वाला। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। ए जो क्षेत्र दिख रहा है ए विषुवत रेखा का क्षेत्र है, जो एक नंबर जिसको हम दे रहे हैं ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है। चलिए दूसरे कलर से देते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इसे विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ये दूसरा वाला क्षेत्र दिख रहा है ये उष्णकटिबंधीय, ये जो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, ये उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, और सबसे ऊपर होता है ध्रुवीय क्षेत्र। क्या है, मैं आपको एक एक से सब बता रहा हूं, ठीक ना। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटियां होती हैं, 7 वायुदाब की पेटियां होती हैं। विषुवत रेखा है, हमेशा याद रखिएगा, मैं पढ़ाया भी हूं आपको कई बार क्लास में, जो नए विद्यार्थी हैं समझा रहा हूं, तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है। सबसे अधिक टेम्परेचर पृथ्वी पर कहां पाया जाता है, विषुवत रेखा पर पाया जाता है। तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक यदि टेम्परेचर पाया जाएगा, तो टेम्परेचर सबसे अधिक है तो प्रेशर यहां पर सबसे कम पाया जाएगा, यानी ये जो क्षेत्र है, जो ए वाला क्षेत्र है विषुवत रेखा का क्षेत्र, यहां पर सबसे कम प्रेशर पाया जाएगा, और सबसे कम प्रेशर पाया जाएगा तो यहां पर नाम रख दिया इसका लो प्रेशर, विषुवत रेखा का निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ठीक ना। और यहां पर चाहे उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, इन ध्रुवों पर टेम्परेचर कम पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से चाहे तो उत्तर ध्रुव की ओर जाइएगा या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा, तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है, तो यहां पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर यहां पर अधिक है, अर्थात यहां पर चाहे उत्तर ध्रुव की बात कर लें चाहे हम दक्षिण ध्रुव की बात कर लें,
यहां पर प्रेशर हाई पाए जाएंगे, यहां पर प्रेशर हाई पाए जाएंगे। यहां पर अगर लो प्रेशर पाया जा रहा है तो इसकी जो ऊपर वाली बेल्ट होती है इस पर हाई प्रेशर पाया जाता है, और इसकी ऊपर वाली बेल्ट होती है तो इस पर लो प्रेशर पाया जाता है। उसी प्रकार नीचे वाली बेल्ट पर यहां पर हाई प्रेशर पाया जाएगा, और इसके बाद अंगली वाली बेल्ट पर यहां पर लो प्रेशर पाया जाएगा। आप अगर मानचित्र आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा, यहां H लिखा है, यहां पर L लिखा है। H का मतलब है हाई प्रेशर और L का मतलब है लो प्रेशर। तो यहां पर वायुदाब की पेटियां हैं, वायुदाब की 7 पेटियां होती हैं। कितनी? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना, 7 पेटियां होती हैं। अभी हमें पेटियों को नहीं समझना है, समझना हमें यह है कि विषुवत रेखा, मैंने बताया कि विषुवत रेखा जिसको आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको नाम दिया जाता ITCZ। ये ITCZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। ITCZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जो ये आपको दिखाई दे रही है हवाएं नहीं है, ये पवन है, ये पवन है। पवन और हवा में अंतर है, या वायु और पवन में अंतर है। यदि हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं तो उन्हें पवन कहा जाता है, और यदि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उसे वायु कहा जाता है। अगर हवाएं क्षैतिज रूप से चल रही हैं तो पवन कहलाती है, और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो वायु कहलाती है। तो यहां पर देखिए आप, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां से हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठती हैं। अंदर नहीं देखना, ये पवन चल रही है यहां पर, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। तो अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही पवने हैं, हमें पवन नहीं पढ़ना, हमें अभी वायु पढ़ना है। तो यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में, जिसको हमने एक नाम दिया इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ, में टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और गर्म होकर ऊपर उठने के बाद इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं ऊपर। आप एक पार्ट देख लीजिएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, जब इस प्रकार से ऊपर उठती हैं तो इस वाले क्षेत्रों में, इन वाले क्षेत्रों में जहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हुआ, हाई प्रेशर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम है। तो हाई प्रेशर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम है, और साथ ही साथ पृथ्वी की घूर्णन के कारण, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरिओलिस फोर्स, कोरिओलिस बल। कोरिओलिस बल के कारण ये हवाएं यहां से उठती हैं और यहां पर नीचे उतर जाती हैं, यहां से उठती हैं और यहां पर हवाएं नीचे उतर जाती हैं। अब समझिएगा आप, ठीक ना, हवाएं ऊपर गई और हवाएं ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई। इसकी खोज एक महोदय ने की थी, हेडली महोदय ने, इसलिए इसको नाम दे दिया गया हेडली कोशिका। इसको मैं यहां समझाता हूं। मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा ये अक्षांश है आपका, और यहां पर है 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक है, मैंने बताया, तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक है, यहां से हवाएं ऊपर उठी। यहां से जब हवाएं ऊपर उठी तो दो भागों में जाएंगी, एक हवा ऐसी गई और एक हवा ऐसी गई। और यहां पर मान लीजिएगा 30 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, 30 डिग्री दक्षिण मान लीजिएगा उत्तर, और हवाएं यहां पर नीचे उतर आई, हवाएं यहां पर नीचे उतर आई, तो यहां पर एक सेल बन गई, इस सेल का नाम है हेडली सेल, हेडली, ठीक ना, हेडली कोशिका। तो अब यहां पर समझिएगा, हवाएं नीचे तभी उतरेंगी, हवाएं नीचे तभी उतरेंगी जब यहां का टेम्परेचर कम होगा। हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर जाएंगी, हवाएं गर्म तभी होंगी जब टेम्परेचर अधिक होगा, और हवाएं नीचे तभी उतरेंगी जब टेम्परेचर कम होगा। अब बताइएगा, यहां पर भी हवाएं नीचे उतर रही हैं, मतलब यहां का भी टेम्परेचर कम है। अगर यहां का टेम्परेचर अधिक है तो मैंने कहा था कि तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है। अगर टेम्परेचर अधिक है तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनना चाहिए? लो प्रेशर। और अगर यहां पर टेम्परेचर कम है तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनना चाहिए? हाई प्रेशर। यही तो मैं कह रहा हूं कि हवाएं लो प्रेशर से ऊपर उठेंगी, एल लिखा है, लो प्रेशर से ऊपर उठेंगी और हाई प्रेशर पर आके गिर जाएंगी। यहां पर देखिएगा, ये लो प्रेशर, यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी और हाई प्रेशर पे आके हवाएं नीचे आ जाएंगी, ठीक ना। तो हवाएं लो प्रेशर से जा रही हैं और हाई प्रेशर पर वापस आ जा रही हैं। अब समझिएगा, जब हवाएं नीचे उतरेंगी, जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो क्या इनमें आर्द्रता होगी? तो इनमें आर्द्रता नहीं होगी। जब इनमें आर्द्रता नहीं होगी तो क्या इनके द्वारा वर्षा होगी? तो इनके द्वारा वर्षा भी नहीं होगी, तो इनके द्वारा वर्षा भी नहीं होगी, तो इनके द्वारा वर्षा की प्रक्रिया भी नहीं होगी। अब जब इन क्षेत्रों में,
इन क्षेत्रों में जब वर्षा नहीं होगी, तो जब इन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव पाया जाएगा, वर्षा नहीं होगी तो धीरे 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 यह क्षेत्र किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, तो धीरे धीरे यह क्षेत्र किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में ही ध्रुवीय सॉरी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में ही हवा नीचे उतरती है और तेज गति से पानी में संचलन होने लगता है, क्योंकि हवा नीचे उतरेंगी, वर्षा तो करेंगे नहीं, तेज हवाएं चलेंगी। तो जब यहां पर हवाएं नीचे उतरेंगी तो वर्षा नहीं करेंगी, और जब वर्षा नहीं करेंगी तो मरुस्थलों का यहां पर क्या हो जाएगा, विकास। तो मरुस्थल हमेशा याद रखिएगा 30 से 35 चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य हवाएं न चलने के कारण सॉरी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य वर्षा न होने के कारण यहां पर मरुस्थलों का विकास नहीं हो पाता। इस डायग्राम में जो आपको अंदर दिख रही है पवन है, पछुआ व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है। पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है जब हवाएं ऊपर उठेंगी, आर्द्रता लेंगी और वर्षा कर देंगी, ठीक ना। यहां पर देखिएगा अगला पॉइंट समझिएगा, अगर हम शॉर्ट में नहीं समझा रहे, हम आपको देखिएगा ऐसे एक डायग्राम में भी था, देखिएगा हवाएं गर्म हुई और हवाएं गर्म होकर यहां गई, लो प्रेशर रिंग बन गई और यहां पर हाई प्रेशर रिंग बन गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। यहां पर देखिएगा अगर आप विश्व के मानचित्र में गौर से देखिएगा 30 से 35 डिग्री अक्षांश का मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35, तो इन्हीं क्षेत्रों में मरुस्थल क्या है, अधिक है, ठीक ना। अब विश्व के कौन कौन से महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, पूरे मैप में दिखाई दे रहा है। उत्तर अमेरिका में ग्रेट बेसिन है, यहां पर मोजावी मरुस्थल है। साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, नाबिम मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। ए अरब का प्रायद्वीप है, अरेबियन मरुस्थल है, सीरियम मरुस्थल है। ईरान का क्षेत्र है दस्ते काबिर मरुस्थल, दस्ते लुट मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में थार मरुस्थल। यहां पर तकला मकान मरुस्थल है मंगोलिया के क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत और मंगोलिया के क्षेत्र में गोबी मरुस्थल है। कजाकिस्तान के क्षेत्र में काराकुम डेजर्ट है, और यहां पर तो कई सारे मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी ऑस्ट्रेलिया में। तो अब हम अगर देखिएगा अब ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है, एशिया में भी मरुस्थल है, अफ्रीका में भी मरुस्थल है, उत्तर अमेरिका में भी मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका, लेकिन आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में है, एशिया में। विश्व में सबसे कम मरुस्थल या विश्व का वह महाद्वीप जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते, यूरोप। विश्व का वह देश या विश्व का एक ऐसा द्वीपीय देश जिसमें सर्वाधिक मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो अंगली वाली क्लास जब मेरी होगी तो इस अंगली वाली क्लास में हम विश्व के प्रत्येक मरुस्थल की विशेषताएं, कौन सी रेखाएं गुजर जाती हैं, कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन सी वहां पर वनस्पति पाई जाती है, इन सब की व्याख्या करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। अगला जो मेरा डेमो क्लास होगा तो उसमें हम विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से एक एक का इनका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। एक बार मैं आप सभी को फिर बता देता हूं कि संस्थान में आपके लिए बैच प्रारंभ कर दिया गया है, और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना इतना है कि जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको एंट्री पीटी 2021 लिखकर सेंड कर देना है व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको मिल जाएगी प्रवेश की सूचना, मिल जाएगी किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक ना। जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को सलाह दीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे पास आ रहे हैं तो पूरी उम्मीद के साथ आइएगा, आपको निराश नहीं किया जाएगा, जो भी बातें आपसे कही जाएंगी सब प्रतिशत की जाएंगी, साथ ही साथ बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू।